आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 111.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.28 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लगातार 7 अप्रैल से स्थिर पेट्रोल डीजल के दामों में अचानक केंद्र सरकार ने ब्रेक लगाने के साथ ही इनकी कीमतों में भारी गिरावट भी की है। देश भर में 22 मई को पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में ये कमी उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से आई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके जनता को एक खुशखबरी दी है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। तो वहीं अगर गैस सिलेंडर के दामों की बात की जाए तो इसमें भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी साल में 12 सिलेंडर पर दी जाएगी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई पे लेके जनता के क्या कहना है। चूंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है, उत्पादन शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा जो है कटौती की गई है। कुल बता दें कि 9.5 रुपए का पेट्रोल में जबकि 7 रुपए का डीजल में कटौती की गई है। इसके साथ ही हम जनता की राय लेने की कोशिश कर, ट्रांसपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट में पब्लिक के ऊपर जो खर्च पड़ता है वो कम होता है। और ऑटो रिक्शा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा पे डीजल भरवाने लोग आए हुए हैं। अब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, डीजल का जो रेट है वो कम हुआ है, 7 रुपए की कटौती हुई है केंद्र सरकार द्वारा, तो इससे क्या राहत मिलेगी आपको? अरे कुछ राहत तो मिलेगा थोड़ा बहुत। तो क्या जो आपने वृद्धि के साथ रेट बढ़ाया था, क्या उसमें भी कटौती की जाएगी कि पब्लिक के ऊपर उतना ही लोड होगा किराए का और डीजल भले ही कम हो जाए? डीजल कम होगा लेकिन फिर बढ़ जाएगा ना, बढ़ता घटता है हमेशा। ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जानना यह है कि 7 रुपए की कटौती हुई है, तो क्या इसमें आप किराए जो लेते हैं उसमें भी कटौती की जाएगी कि जनता के ऊपर वही मार पड़ेगी, वही महंगाई की मार पड़ेगी, वही महंगाई की मार पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है कि डीजल के दाम कम होने पे भी ट्रांसपोर्ट के खर्चे कम होने का नाम ले, चाहे ऑटो हो चाहे बस हो, उनके किराए में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। तो जाहिर सी बात है जनता को इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उसके बाद मार्च अप्रैल में तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी।
उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने एक तोहफा दिया है पेट्रोल डीजल को लेकर, जो कि लगातार सुर्खियों में बना था कि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर थी, उसको लेकर भाजपा सरकार ने एक तोहफा दिया है। क्योंकि डीजल की बात की जाए तो 7 रुपये में, पेट्रोल की बात की जाए तो 9.5 रुपये कम किया है। और आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल कम हुए हैं, उस रेट की बात की जाए तो इस तरीके से भाजपा सरकार ने एक विपक्षी को जो आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप लगा रहे थे कि लगातार कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, ये भाजपा सरकार में ये कम नहीं होना, क्योंकि लोग जो है पेट्रोल डीजल से ही वो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे चल के इसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिल सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में गिरावट आ सकती है। बात की जाए तो सब्सिडी की, जो गैस सिलेंडर का महंगा हो रहा था उसमें भी भाजपा सरकार ने 200 रुपये सब्सिडी देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार इसमें खरा उतरने में नज़र आ रही है। क्योंकि जो है जिस तरीके से विपक्षी जो आरोप लगा रहे थे, लगातार कहीं ना कहीं इस पर जो है भारत सरकार है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था। लोग घर में बैठना शुरू हो चुके थे, लोगों में कहीं ना कहीं देखिए अभी किराया बढ़ने का डर था कि अगर मैं कहीं जाऊंगा तो किराया बढ़ जाएगा। अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की कम होने से तो ट्रांसपोर्ट में भी गिरावट आ सकती है और किराए में भी गिरावट आ सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण घरेलू बाजार में वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल के दामों पर भी इसका असर पड़ा था। पेट्रोल के दाम जो कम हुए हैं उससे जो लोग हैं उनकी जेबों में क्या असर पड़ा है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा दीपक दुबे है। दीपक जी, जो ये पेट्रोल के जो दाम कम हुए हैं आज और जो डीजल के दाम कम हुए हैं, इतना आप सरकार से कितना संतुष्ट हैं? सरकार से मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं, उसी तरीके से राज्य गवर्नमेंट को भी अपना वेट कम करके पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। क्या नाम है आपका? जीतू यादव। जीतू जी, ये बताइए कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं उसको लेकर आपकी क्या मंशा है? प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद के लिए ये जो बिजली जा रही है, आदमी गर्मी के मारे तड़पा जा रहा है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, यही मैं चाहता हूँ कि बेरोजगारी थोड़ा सा कम करें। कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं इससे ट्रांसपोर्ट पे जो खासी महंगाई जो पड़ रही है उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसमें कुछ असर नहीं पड़ेगा, पेट्रोल वो तो बेचारे उसे भी साइकिल से चलते हैं। प्रधानमंत्री योजना वाली गैस सिलेंडर का मामला है, ये सबको करना चाहिए, सबको देना चाहिए, जल योजना वालों को 200 रुपया कस्टडी दे के ये सुविधा सबके लिए होनी चाहिए। आप पता चले जो उज्ज्वला योजना के तहत जो बोला गया था सब्सिडी 200 रुपये दी जा रही है, उसको लेके लोगों का, स्थानीय लोगों का ये मांग है कि जो है कि सब्सिडी जो दी जा रही है वो सबको दी जाए। करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को भीषण गर्मी और उमस भले ही परेशान कर रही हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक भारी गिरावट होने से आम आदमी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।